नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। बात करें घूमने फिरने की, तो उसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं देसाटन में। देसाटन के अंतर्गत मैं आज आपको लेकर जाऊंगा एक सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो आपके मन को रोमांच से भर देगा। यहाँ वनों की खूबसूरती है तो इतिहास भी उपस्थित है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसा जगह जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 135 किलोमीटर की दूरी पर मैकल पर्वत के गोद में है। जगह का नाम है भोरमदेव। आप देख पा रहे हैं भोरमदेव मंदिर, उसके आसपास पर्वत और वृहद सरोवर। चलिए हम चलते हैं भोरमदेव मंदिर क्षेत्र में। तो एक भव्य द्वार से हम भोरमदेव क्षेत्र मंदिर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये भोरमदेव मंदिर क्षेत्र मैकल पहाड़ियों की गोद में बैठा हुआ है और इसके आसपास ढेर सारे प्राकृतिक स्थल हैं। तो यहाँ आएंगे तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो घूमने का, वो सब फुलफिल होता है। आसपास और कई क्षेत्र हैं। मंदिर का प्रवेश एक उद्यान से होता है। उद्यान में प्रवेश करते ही एक शोभाकारी नटराज बना हुआ है। आपको मंदिर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी ऊपर। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, अमराई के बीच में आपको मोहक सुंदर भोरमदेव मंदिर की अद्भुत कलाकारी दिखाई देगी। बात करें भोरमदेव मंदिर के निर्माण का, तो इसके संदर्भ में मान्यता है कि फणी नागवंशी राजा रामचंद्र जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मंदिर नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की सुंदरता कहीं भी खजुराहों के मंदिरों से कम नहीं है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। पूर्णतः स्थापत्य कला, मूर्ति कला में ये खजुराहों के मंदिर श्रृंखलाओं का ही रूप दिखाई देता है। मंदिर के चारों ओर अद्भुत नक्काशियां हैं और ढेर सारी आपको मूर्तियां दिखाई देंगी, जिनमें कामसूत्र से जुड़ी हुई भी मैथुन मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर पूर्वाभिमुख है, सामने की ओर इसमें तीन द्वार बने हुए हैं। पूर्व के अलावा उत्तर और दक्षिण में भी द्वार है। मंदिर की शिल्पकला का यदि आप गौर से निरीक्षण करें, तो आपको मूर्तियों में अद्भुत कलाकारी दिखाई देगा, जो मंदिर के स्थापत्य को राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्थापत्य कला है उनके समकक्ष खड़ा करता है। अत्यंत ही मनोहर दृश्यों के बीच में, हरियाली के बीच में मंदिर है। मंदिर को चारों ओर से आप गहन निरीक्षण करें, आपको समय बीतते जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अद्भुत नक्काशी है सामने का। ये प्रवेश द्वार के अगल बगल में मैथुन मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। साथ ही साथ सीधे आपको गर्भगृह का भी यहाँ से दर्शन होता है। मंदिर को चारों ओर से निरीक्षण करते हुए आप इसके सौंदर्य का आनंद लें। यह मंदिर फणी नागवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया है। ऐसी मान्यता है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक इसका निर्माण हुआ होगा, पर अंत लगभग निर्माण का अंत 1050 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। मंदिर के पश्चिम भाग में और सभी दिशाओं के उभार में कुछ विशेष मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसमें आपको यहाँ गजानन की मूर्ति दृष्टिगोचर हो रही है। मंदिर के शीर्ष में कलश स्थापित नहीं है। मंदिर के बगल में 11वीं सदी के आसपास का ही ईंटों से बना हुआ एक प्राचीन और मंदिर है। इस प्रकार मंदिर के चारों ओर यदि आप घूमेंगे, तो प्राचीन भग्नावशेष और मूर्तियां बिखरी हुई दिखाई देंगी, जिन्हें व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। यह मंदिर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम भीतर प्रवेश करते हैं। जब आप भीतर प्रवेश करते हो, तो मध्य में आपको चार खंभों पर दिखाई देंगे, जिसके ऊपर वास्तु पुरुष गरुड़ जो है वो स्थापित है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, और चारों ओर अन्य 16 खंभे हैं। गर्भगृह के प्रवेश का जो द्वार है, उसका चौखट में भी बहुत ही सुंदर नक्काशी हुआ है। जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, वहाँ कुछ मूर्तियाँ और बीचों बीच महादेव का दर्शन होता है। महादेव जो है उसको संचारण से बचाने के लिए संरक्षित किया गया है।
ये गर्भगृह है। अब आप देख पा रहे हैं महादेव देवाधिराज, जिसके सामने आपको दिखाई देगा कि ये नाग जो फड़ी नागवंशी राजाओं का प्रतीक है, साथ ही साथ गजानन और वहाँ भूरमदेव की प्रतिमा है। मंदिर के सामने आपको एक अद्भुत सरोवर दिखाई देता है। यह सरोवर तीन ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। सरोवर के सामने की ओर एक टापूनुमा संरचना है, जिससे जुड़ी हुई एक लक्ष्मण झूला को बनाया गया है, जो पर्यटकों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ पे पैदल भी घूमने के लिए ढेर सारे जगह हैं, साथ ही साथ बोटिंग की भी सुविधा है। पैडल बोट से आप बोटिंग कर सकते हैं। उसके पहले चलिए हम सुरक्षा गैजेट्स लेते हैं। सुरक्षा गैजेट्स पहनने के पश्चात हम बोटिंग करेंगे। बोटिंग जो है वह नाम मात्र के राशि पर यहाँ पे उपलब्ध है। पैडल बोट है, जिसमें आप स्वयं घूमेंगे बैलेंस बनाते हुए बैठकर। चलिए हम सरोवर में घूमने का आनंद लेते हैं, साथ ही साथ चारों ओर के जो प्राकृतिक दृश्य है उसमें कब ये समय बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। चारों ओर देखिए, और साथ ही साथ इसमें आपको दिखाई दे रहा है मैकल की खूबसूरती, ये लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला के पास में टापू बना हुआ है। तो ये चारों ओर मंदिर के चारों ओर ढेर सारे पर्यटक स्थल हैं। यदि आप मंदिर बस घूमने के अलावा अन्य क्षेत्रों में घूमना चाहते हैं तो ऊपर आपको यहाँ से चिल्फी जाने का मार्ग बना हुआ है जंगलों के बीच से, साथ ही साथ सरोधा जलाशय का भी ये मार्ग है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को YouTube पर सब्सक्राइब करें।